आज हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार की शुरुआत लाल निशान पर हुई। सेंसेक्स 27 अंक की गिरावट के साथ खुला और निफ्टी 10 अंक की गिरावट के साथ खुला। तो इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसा रहा बाजार का शुरुआती हाल। आज हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को शेयर बाजार लाल निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 27 अंक की गिरावट के साथ 37,946 पर खुला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 10 अंकों की गिरावट के साथ 11,212 पर खुला। दिग्गज शेयरों में आज रिलायंस, विप्रो, ONGC, एशियन पेंट्स और टाइटन के शेयर हरे निशान पर खुले। वहीं अडानी पोर्ट्स, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, कोल इंडिया और SBI लाइफ की शुरुआत लाल निशान पर हुई। सेक्टोरियल इंडेक्स पर नजर डालें तो आज IT, फार्मा और FMCG के अतिरिक्त सभी सेक्टर्स की शुरुआत लाल निशान पर हुई। इसमें PSU बैंक, रियलिटी, मीडिया, फाइनेंस सर्विसेज, मेटल, ऑटो, बैंक और प्राइवेट बैंक शामिल हैं। वहीं प्री ओपन के दौरान सेंसेक्स 343 अंक की बढ़त के साथ 38,316 पर था। निफ्टी 94 अंक ऊपर 11,316 पर था। डीबी लाइव की रिपोर्ट।